हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम बात करते हैं कि कोविड पर, जो कि फिर से दोबारा से केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लग गए हैं। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि कोविड ये जाने वाला तो है नहीं, तो इसको कैसे रोका जाए कि, और ये दोबारा से कैसे बढ़ रहा है, पेशेंट में दोबारा से फिर से, यानी कि जो पहले से पॉजिटिव आ चुके हैं वो फिर से, यानी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कब जाएगा, क्या आज के सिम्टम रहते हैं, पेशेंट को क्या तकलीफ़ होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल के जवाब हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हम सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हम कैसे पता करें कि हम कोरोना के सस्पेक्ट हैं, यानी कि कौन से लक्षण हैं जिनसे हम महसूस कर सकते हैं कि हमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप घर पे हैं, तो अगर आप घर पे हैं और आपको माइल्ड कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर आपको खांसी है, या फिर आपके गले में दर्द है या सूजन है, या फिर आप जब वॉकिंग करते हैं यानी कि 5-6 मिनट चलने के बाद में आपके दांत सांस फूलने लग जाती है, तो ये क्या है कुछ, और आपको बुखार आता है, तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो यानी कि कोरोना को सस्पेक्ट करते हैं, यानी कि आपको चांसेस हैं कि आप कोरोना के इन्फेक्शन हो सकता है आपको। दूसरा है कि जैसे कि आप ये जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर, या फिर जहाँ पर हाई सीवियरिटी वाला एरिया है, या फिर जहाँ यानी कि हॉस्पिटल्स हैं, जो आपका अगर हम पे कांटेक्ट में आए, यानी बोल सकते हैं कि आप यानी कि किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, तो आपको उस समय भी महसूस करना, या फिर आपको हो सकता है कि आप उनके इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें। तो जब भी पेशेंट यानी हॉस्पिटल्स में आते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर सबसे पहले यही क्वेश्चन उसके सिंपल से कि आपको यानी कि सर्दी बुखार जो भी खांसी है, या फिर सांस लेने में तकलीफ, मेन जो प्रॉब्लम होती है इसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये वायरस जो होता है सबसे पहले यानी कि फेफड़ों पर ही अटैक करता है, गले में जाने के बाद में आपके फेफड़ों में यानी कि बलगम को मोटा करता है, और ये निमोनिया को इम्प्रूव करता है, जिससे लंग्स में क्या है फ्लूडिटी जो होती है लंग्स की, यानी कि तरल पदार्थ बोलते हैं जिसको, वो लंग्स में भरने लग जाता है, तो जिससे लंग्स में भरने के बाद सांस लेने में बहुत तकलीफ आती है, जिससे जो हमारे नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रहता है वो नहीं हो पाता। तो जो यानी कि बोल सकते हैं हम कि सांस लेने के लिए लंग्स को बहुत कम जगह रह जाती है, यानी कि छोटे जाने तरल पदार्थ जो होता है वो भरने लग जाता है, तो उसकी वजह से हमको सांस लेने पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ आती है। दूसरा, पेशेंट को बोला जाता है कि यानी कि स्लाइटली वॉक, यानी कि 5-6 मिनट उसको बोला जाता है कि अब चल, पैदल चल के फिर से वापस आओ, तो उसमें ये पता लगता है कि वो उसको पैदल 5-6 मिनट में पैदल चलने पर उसकी सांस में यानी फूलने लग जाती है, क्योंकि कोरोना वाले पेशेंट के सांस फूलने लगती है, इसलिए पेशेंट को बोला जाता है। दूसरा है कि पेशेंट अगर हम उसका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम होने लगता है, तो हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से कि अगर उसका नॉर्मल जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो होता है वह 95 to 100 के आसपास होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो रहा है, यानी 94, 93, 92, दैट्स इट ऑल अराउंड, तो यानी कि आप इन्फेक्शन के आपके लंग्स का इन्फेक्शन आपको बढ़ रहा है, इसलिए आप ये इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए और डॉक्टर को एडवाइस यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका यानी कि सेचुरेशन लेवल जो होता है वो ऑक्सीजन का 90 से कम होता है, तो ये मॉडरेट कंडीशन में आता है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सब कुछ चेक कराना चाहिए, फर्दर इवेल्यूशन के लिए आपको रिपोर्ट टेस्ट वगैरह सारे कराने चाहिए। और मान लीजिए कि आपका जो सेचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का पेशेंट का वो लेस देन 80-60 ऐसा है, तो ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल में तुरंत उसको एडमिट करना चाहिए और सारे जो वाइटल्स हैं उसके अच्छे से चेक करने चाहिए। तो ये सब कंडीशन जो होती हैं वो कोरोना में ही होती हैं पेशेंट की बहुत ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन है कि पेशेंट को यानी कि एक बार पेशेंट पॉजिटिव आ गया है, तो क्या फिर से वो नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव होने के बाद में फिर से पॉजिटिव होने के चांस कितने रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि पेशेंट पॉजिटिव आया, उसको हमने 14 डेज़ का क्वारंटाइन रखा और उसको टैबलेट हैं आजकल जो जो भी मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर है, फ्लेविफ्लू है, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी मलेरियल है,
बहुत सी केसेस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह यूज किया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हैं तो उसमें स्टीरॉयड भी यूज किए जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है तो दोबारा से पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा क्या होता है कि वायरस जो होता है वो आपके म्यूकस में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रीटेड हैं, आप क्योरेबल हैं, आप बिल्कुल हेल्दी महसूस कर रहे हैं, पिछले यानी कि एक हफ्ते से आप बिल्कुल अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं और आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव होने के चांसेस नहीं बोल सकते उसको, लेकिन पॉजिटिव आ सकता है पेशेंट, क्योंकि जो वायरस होता है वो डेड हो जाता है और वो इनएक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है वो पॉजिटिव होने के बाद फिर से पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन सभी पेशेंट नहीं हैं वो, कुछ क्योंकि पेशेंट के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं तो वो इसलिए वो नेगेटिव आते हैं। और दूसरा है, अब कैसे पता करें कि आप यानी हॉस्पिटल में जाने के 14 दिन रहने के बाद में आप घर पे जाकर उनके कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि जैसे आप 40 डेज क्वारंटाइन यानी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उसके एक हफ्ते तक आप अपना सेल्फ प्रिकॉशंस कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे कि एक हफ्ते में आपने देखा कि बिल्कुल भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल जैसे पहले थे बिल्कुल भी नॉर्मल आप महसूस कर रहे हैं, तो दैट्स सिक्योर, यानी कि आप ट्रीटेड हो चुके हैं, आप अपनी नॉर्मल सोशलाइजेशन जो भी एक्टिविटी हैं बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, फैमिली में भी मिलजुल सकते हैं। लेकिन अब कंडीशंस हैं, हमारे पास तीन कंडीशन हैं कि किन पेशेंट को होम क्वारंटाइन दिया जाता है, किन पेशेंट को एडमिट किया जाता है, किन पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। तो उसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको कुछ माइल्ड केसेस मतलब माइल्ड सिम्टम है, एक सर्दी खांसी बुखार है या फिर आपको गले में सूजन है, बस ये छोटे छोटे अगर सिम्टम है तो डॉक्टर आपको होम क्वारंटाइन की सलाह देते हैं। तो 14 डेज आप एक ऐसे होम क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि होम क्वारंटाइन का मतलब है कि आप घर पर रहें, एक रूम में अकेले रहें और ऐसा रूम हो जिसमें लेट बाथ वगैरह अटैच्ड हो, लोगों से कांटेक्ट ना हो, सेफ महसूस करें, हेल्दी खाना खाएं और आपके साथ में वाइटल चेक करते रहें, मॉनिटरिंग यानी कि डे टू नाइट सब अपना वाइटल्स का एक मॉनिटर चार्ट बनाएं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर रहेगा और आपका पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मॉनिटर बना रहेगा। तो अगर वो नॉर्मल रहता है तो आप बिल्कुल क्योर हैं। दूसरा है, अगर आपके फेफड़ों में यानी कि निमोनिया की कंडीशंस बढ़ रही है आपकी, यानी पसलियों में दर्द होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ है और आपका जो सेचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का वो 95 से कम हो रहा है या 92, 90, 91 तक है, तो आप बिल्कुल आप यानी पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी कंडीशंस है कि कौन से पेशेंट को हम और एडमिट करते हैं कि जिन पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, तो उन पैरासिस्टम है, तो उन पेशेंट में क्या है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उनको क्या है हम एडमिट करते हैं। अब पेशेंट को टेस्ट करने के लिए हम रैपिड टेस्ट भी करते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट की सेंसिटिविटी बहुत कम रहती है, इसलिए हम RT-PCR एडवाइज करते हैं। RT-PCR में कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है तो उसमें RT-PCR से हम पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव है, कि उसका स्कोर क्या है, तो उसमें हम बिल्कुल कन्फर्म बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तीसरा है कि अब यानी कि बोल सकते हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे आप घर पे हैं, फैमिली में आपको क्या करानी, वही सिंपल सा है करना, इतना ज़्यादा कुछ हैवी वर्क नहीं करना आपको, बस थोड़ी एडवाइजेबल क्योरेबल चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन रखना है फैमिली में, बच्चों से यानी बुजुर्ग जो भी हैं आपके उनसे डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें बिल्कुल, और मास्क अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप बिल्कुल मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि बिना मास्क रहेगा तो यानी कि आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा। अब एक क्वेश्चन है कि हम बाहर जाते हैं, आप किसी कांटेक्ट के पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए तो पेशेंट के, तो आपको कोरोना की चांस हो, अगर बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया तो क्या पॉजिटिव हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के साथ में 3 मीटर डिस्टेंस से कम उसके साथ में खड़े हैं और मोर देन 50 मिनट्स यानी डिस्टेंस लेस देन 3 फीट्स एंड मोर देन 50 मिनट्स टुगेदर, यानी उसके साथ में इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो आपको फिर आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे जाते हैं, जैसे आप अभी मॉर्निंग में कांटेक्ट में आए तो आप बोलते हैं कि दोपहर में शाम को जाके मैं कोविड टेस्ट करा था, तो वो पॉजिटिव नहीं आता, उसके चांस बहुत कम रहते हैं पॉजिटिव होने के। तो पॉजिटिव होने के चांस कब हैं, जब आप कांटेक्ट में आते हैं उसके 5 to 10 days, आफ्टर 5 to 10 days उसमें उसकी जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें यानी कि आपको टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरा, अगर आप सिम्टम आपको पहले से ही हैं, आपको पता नहीं है, तो आप 5 दिन पहले भी आप टेस्ट करा सकते हैं। ये सब कंडीशंस हैं। अगला पॉइंट है कि कौन सा मास्क कब पहनना चाहिए। देखिए, मास्क भी कई तरह के हैं, जैसे कपड़े का मास्क होता है एक हमारा, और एक सर्जिकल है, N95 है, वो मेड कपड़े का मास्क भी। तो सर्जिकल मास्क जो होता है वो उसकी जो लाइफ रहती है वो 24 आवर्स की रहती है, यानी आपने एक बार यूज़ किया उसको तो फिर आपको डिस्पोज करना ही पड़ता है उसको, तो आप एक दिन के लिए उसको 24 आवर यूज़ कर सकते हैं। कपड़े का मास्क जो होता है आपका रेगुलर वॉश वाला होता है, तो आप उसको रेगुलर वॉश करके बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगला है N95 है, जो कि मेडिकल सर्वाइवर होते हैं उनको दिया जाता है, जो हाई रिस्क एरिया में काम करते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ है, नर्स, डॉक्टर्स, यानी फिर जो वहाँ के कर्मचारी हैं जो भी है, या फिर जो लोग उनकी पॉजिटिव कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो उनको भी N95 दिया जाता है। नॉर्मल सिविल पर्सन जो होते हैं मेरे हिसाब से उनको सर्जिकल मास्क ही बेटर ऑप्शन है सबसे, या फिर कपड़े का मास्क भी सबसे ज़्यादा ऑप्शन है। दूसरा है कि आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ ज़्यादा करें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बिल्कुल भी जाना पसंद ना करें। किसी भी जगह पर भीड़ रहता है वहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकें, हैंड से किसी से भी ना करें अभी तो। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करें, और अपने ये फैमिली में बुज़ुर्गों का बहुत ध्यान रखें। अगर आप उनको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है तो उनको यानी कि उनके वाइटल्स, घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें, उनके वाइटल्स चेक करते रहें, और अगर कुछ कंडीशन ख़राब होती है तो तुरंत डॉक्टर से यानी कंसल्ट करें। और बहुत यानी कि और भी तमाम चीज़ें हैं जिनसे प्रोटेक्शन लिया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप कोरोना से बचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी है, थोड़ी लेंदी है, लंबी है, लेकिन अच्छी है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं तब तक। और हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।